नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के बलिया के दुर्जनपुर गांव में पुलिस प्रशासन के सामने हत्या का मामला सामने आया है। बलिया में सरकारी राशन कोटे की दुकान के लिए जिला प्रशासन की मौजूदगी में कार्यक्रम चल रहा था। मौके पर SDM, CO और कई थानों की पुलिस मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान अफसरों के सामने ही एक दबंग ने गोली मारकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर कई लोग मौजूद थे, जिनमें अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। गोली चलाने वाला शख्स BJP विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया गया है। बलिया में सरेआम हत्या करने वाले धीरेंद्र सिंह के समर्थन में BJP विधायक सुरेंद्र सिंह नजर आए हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि धीरेंद्र सिंह अगर आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाता तो उसके परिवार के दर्जनों लोग मारे जाते। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी घटना कहीं भी हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के कई लोग बुरी तरह घायल हैं, तो उनकी बात भी तो सुननी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हाथरस की तरह कांड हुआ है। यहाँ एक दलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस पर आरोप लगा है कि पुलिस ने आनन फानन में लड़की का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही करा दिया। बताया जा रहा है कि दलित लड़की से रेप और उनकी हत्या की घटना बीते बुधवार की है। परिजनों ने खेत से लड़की की डेड बॉडी बरामद की है। गुरुवार की शाम को लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें गला दबाकर हत्या और दुष्कर्म की पुष्टि की गई है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने मांग की है कि वो सुरक्षा कारणों की वजह से दिल्ली में शिफ्ट होना चाहते हैं। मृत पीड़िता के परिवार ने राज्य सरकार से मांग की है कि वो उनको गांव से बाहर जाने में मदद करें। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक पीड़िता के भाई का कहना है कि वो सुरक्षित रहना चाहते हैं, जहां भी रहें। बता दें, परिवार ने मामले की जाँच को भी UP से बाहर दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर IMF के GDP अनुमान को लेकर हमला किया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर तंज किया है। BJP सरकार की एक और शानदार उपलब्धि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ने कोरोना को भारत से बेहतर तरीके से संभाला। इंडियन एक्सप्रेस में छपे कॉलम के अनुसार पिछले 6 साल में PM मोदी ने संसद में केवल 22 बार ही बोला है। लेख में कहा गया है कि मोदी सरकार संसद को नजरअंदाज कर रही है। लेख के अनुसार HD देवगौड़ा, जो सिर्फ 2 साल के लिए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी संसद में मोदी से ज्यादा बार बोला था। BJP के ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 6 सालों में 77 बार संसद को संबोधित किया था, जबकि 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने 48 बार संसद में अपनी बात रखी थी। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख स्थित LAC पर जारी तनाव को लेकर बातचीत जारी है और दोनों पक्षों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो बेहद गोपनीय है। एक ऑनलाइन कॉन्क्लेव के दौरान जब विदेश मंत्री से मौजूदा समय में चीन से जारी सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत के नतीजों पर सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और वर्क इन प्रोग्रेस है। ऑनलाइन सेशन के दौरान जयशंकर ने यह भी दोहराया कि LAC पर इस वक्त जिस तरह से सेनाएं जुटी हैं, वैसी मिसाल पहले कभी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार बहू को अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार पत्नी को अपने ससुराल की पैतृक और साझा संपत्ति यानी घर में रहने का कानूनी अधिकार होगा, साथ ही पति की अर्जित की हुई संपत्ति यानी अलग से बनाए हुए घर पर तो अधिकार होगा ही। पंजाब सरकार ने कहा है कि राज्य में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 19 अक्टूबर से स्कूल खुल जाएंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने खबर दी है कि अभी सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में स्कूल खोले जाएंगे जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं। पंजाब के गृह मंत्रालय ने स्कूलों को दोबारा से खोलने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 312 दर्ज किया गया। पिछली बार इस तरह के खराब स्तर पर वायु गुणवत्ता 12 फरवरी को पहुंची थी, जब AQI 320 दर्ज किया गया था। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 63,371 नए मामले सामने आए हैं और 895 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 73,70,000 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या 1,12,000 के पार हो गई है। वहीं एक्टिव मामले लगातार कम हो रहे हैं और अब एक्टिव मामले 8,04,000 से अधिक हो गए हैं। भारत में एक दिन में 10,28,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में अब तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 9,22,54,000 के पार हो गया है। मशहूर गायक कुमार सानू कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। उनके फेसबुक पेज पर इस बात की जानकारी दी गई है। कुमार सानू 90 के दशक में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दबदबा रखने वाले गायक रहे हैं। उनके नाम एक दिन में 28 गाना गाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,88,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,97,000 के पार हो चुकी है।
वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,93,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 79,79,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,17,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 51,69,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।